बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अपनी वीडियो का आगाज़ मैं हमेशा की तरह अल्लाह ताला की रहमत से करती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया जहान की नेमतें अता करे और आप सबको अपनी अमान में रखे। व्यूअर्स, आज मैं रिसेंट में आई हूँ फैसलाबाद का। ये एक रेस्टोरेंट है, ये एक देसी रेस्टोरेंट है, लेकिन इनका जो बारबेक्यू है, ग्रिल फिश है, वो बहुत ही फेमस है यहाँ पे। आप देख सकते हैं ये एक देसी उन्होंने जगह बनाई हुई है ये, लेकिन इनका जो बारबेक्यू है, ग्रिल फिश है, वो बहुत ही फेमस है। ये आप देख सकते हैं, ये जगह है, इतनी सी जगह पे इन्होंने ये फैमिली एरिया किया हुआ है। और आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों के लिए थोड़े इन्होंने झूले लगाए हुए हैं, वो स्विंग्स, और वो आप देख सकते हैं जंपिंग हो रही है। ये छोटा सा एरिया ही है, लेकिन इनका जो बारबेक्यू है, ट्रस्ट मी, वो बहुत ही यमी है, बहुत ही मज़े का है। आप देख रहे हैं व्यूअर्स, ये इनका एरिया आप देख सकते हैं, बाहर भी है, अंदर भी है, काफ़ी सिटिंग है इनकी। और आपको पता है यहाँ पे जब आप आते हैं तो आपको मैक्सिमम एक घंटा डेढ़ घंटा वेट करना पड़ता है, उसके बाद आपको यहाँ से ऑर्डर मिलता है। इतना इनके पास रश होता है, आप देख सकते हैं लोग अपने टेबल्स पे हैं और वेट कर रहे हैं खाने का, क्योंकि इनका बारबेक्यू टेस्ट में बहुत ही अच्छा है। इनके पास बहुत वैरायटी है लाइक बारबेक्यू में, और इनकी जो ग्रिल फिश है वो बहुत ही फेमस है। फैसलाबाद में अगर आप आएँ तो इनका बारबेक्यू ट्राई करें। और इनका मैं आपको दिखाती हूँ, इनका एक सोडा भी है, वो भी बहुत ही मज़े का है। ये इनका बाहर का एरिया है और इनके अंदर का भी एरिया है। देखिए लोग कैसे वेट कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, ये जल फ्रेजी है, ये जल फ्रेजी है, आप देख सकते हैं। इनके नान बहुत ही मज़े के नान हैं इनके, ये इनका रायता है। और आप देख सकते हैं ये चिकन पीस है, ये सैलेड है, ये भी चिकन जल फ्रेजी है। आप देख रहे हैं कितने मज़े के लग रहे हैं लुक में भी, बहुत मज़ा है, मुझे बहुत मज़ा। थोड़ा सा देसी लुक में है इनका खाना, लेकिन इनका खाना बहुत ही टेस्टी है। लेग किसका है, सीना किसका है? व्यूअर्स, जगह इनकी कोई इतनी खास अच्छी नहीं है, आप देख सकते हैं। मुझे वैसे पर्सनली पसंद नहीं है, लेकिन टेस्ट में थोड़ा बारबेक्यू इनका अच्छा है। कोई इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जगह नहीं है, लेकिन देसी फूड के लिहाज से बेस्ट है बारबेक्यू, अगर जिसने खाना हो। व्यूअर्स, ये इनका सोडा है, मुझे कोई इतना ख़ास इसका टेस्ट नहीं लगा, लेकिन जो बारबेक्यू लाइक करते हैं उनके लिए ये एक अच्छी ऑप्शन है। जो लोग बारबेक्यू लाइक करते हैं वो यहाँ आ सकते हैं। जो बारबेक्यू लाइक करते हैं वो यहाँ आके खा सकते हैं। इस साइड पे आप देख सकते हैं कि झूले लगे हुए हैं। जी व्यूअर्स, अब मैं घर जा रही हूँ, चले अब चलते हैं घर। अब हमारा प्लान चेंज हो गया है और अब हम यासिर कैफ़े है, वहाँ से चाय पियेंगे, क्योंकि चाय पीने का बहुत दिल कर रहा था। तो ये अभी हम चैनवन रोड पे हैं, ये चैनवन रोड है। अब हम यहाँ से जाएंगे यासिर कैफ़े, वहाँ से चाय पियेंगे। ये
टूर्स पैक करवा ली है और अब हम यहाँ से, इनकी बड़ी फेमस है कुल्फी, कुल्फी वो खाएंगे चाय के बाद। ये देखें अनमोल कुल्फी, इनकी बहुत ही फेमस है कुल्फी जी। अब हम घर की तरफ वापस जा रहे हैं, अभी रात के हो रहे हैं 9:45 है। बड़ा घर आ चुका है और ट्रैफिक आगे बहुत ज़्यादा है और यहाँ वेट करना पड़ेगा काफ़ी। शुक्र है जल्दी ट्रैफिक ख़त्म हो चुकी है, अब हम घर की तरफ बस पहुँचने वाले हैं और बहुत थक चुके हैं जी। व्यूअर्स मैं घर पहुँच चुकी हूँ और जी व्यूअर्स हम आ गए थे घर और आके मैंने चेंज किया है, थोड़ा फ्रेश हुए हैं और ऐसा कोई मूड तो नहीं था बाहर जाने का, लेकिन बस रैंडमली बाहर गए हैं और जाके खाना खाया है। बस वहाँ पे हुआ बारबेक्यू खाने का मूड तो बारबेक्यू खा लिया। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग था, अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और मैं और भी व्लॉग्स बनाऊँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। इसके साथ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें ताकि नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में मेरे व्लॉग्स को, मेरी वीडियोस को लाजमी शेयर करें। इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।